हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, कुड कुड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो बहुत ही ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज करके रखता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कुड का मतलब, अगर कुड हमने कहा तो कुड का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है, इसका मतलब बहुत कुछ होता है। जैसे सकता था, सकते थे, सकती थी, सकता है, और सका, सके, सकी, पाया, पाता, पाती, पाते, इस तरह के बहुत सारे अर्थ होते हैं कूड के। बट हम आज सारे के सारे कूड के कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज मैं आपको कूड के सारे इस्तेमाल बता दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कूड से संबंधित कोई भी सेंटेंसेस ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। कूड का मतलब क्या होता है? कूड का मतलब होता है सका, सके, सकी। हम इसका इस्तेमाल पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर के लिए भी करते हैं, और प्रेजेंट के लिए भी करते हैं। और भी बहुत तरह के सेंटेंसेज होते हैं जिनके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे काश मैं उससे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट हिम। मैं कल मैच नहीं जीत सका, आई कुडंट विन द मैच यस्टरडे। मैं कल नहीं आ पाया, आई कुडंट कम यस्टरडे। इस तरह के कई इस्तेमाल होते हैं। हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते जाएंगे हर एक स्टेप को, हर एक कॉन्सेप्ट को। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कुड का, वो है सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकता था, सकते थे, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते जाते हैं। आई कुड कम टू योर हाउस टूडे। मैं आज तुम्हारे घर आ सकता हूँ। आई कुड कम टू योर हाउस यस्टरडे। मैं कल आपके घर आ सकता था। तो सेकेंड वाले सेंटेंस में अगर आई कुड कम टू योर हाउस यस्टरडे में आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम सकता है क्यों नहीं बोल सकते, सकता था ही क्यों बोलेंगे, तो साफ इसमें जाहिर होता है कि हमने यस्टरडे की बात की है। कि आई कुड कम टू योर हाउस यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसमें सकता था इस्तेमाल किया कि मैं आपके घर कल आ सकता था। आई कुड कम टू योर हाउस टूमोरो। कल मैं आपके घर आ सकता हूँ। अब इसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की। तो इसमें हमने साफ कहा है कि टूमोरो का जिक्र हो गया, तो इससे साफ समझ में आ जाता है कि कल की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, दे कुड विन द मैच यस्टरडे। वे लोग कल मैच जीत सकते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि हम कुड के लिए कब सकता था और कब सकता है बोलेंगे, तो सेंटेंस के हिसाब से हमें समझना होता है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, कब की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, या बीते हुए कल की बात हो रही है, या आने वाले कल की बात हो रही है। वहाँ पर उस तरह से जिक्र किया जाएगा कि किस दिन की बात हो रही है, पास्ट की, फ्यूचर की, या प्रेजेंट की, उससे हम समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है कुड का, सका, सके, सकी, पाया, पाई, पाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते जाते हैं। शी कुडंट हेल्प मी। वह मेरी मदद नहीं कर पाई, या वह मेरी मदद नहीं कर सकी। व्हाई कुडंट ही गो टू मुंबई। वह मुंबई क्यों नहीं जा सका, या वह मुंबई क्यों नहीं जा पाया। दे कुडंट कम यस्टरडे बिकॉज ऑफ स्ट्राइक। वे लोग कल हड़ताल के कारण नहीं आ सके, या नहीं आ पाए। हाउ कुड आई डू दिस वर्क इफ यू वर नॉट विथ मी। अब यहाँ पर इसमें साफ जाहिर होता है कि सेकेंड सेंटेंस जो है इफ यू आर नॉट विथ मी, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते, ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे। हाउ कुड आई डू दिस वर्क। मैं यह काम कैसे कर पाता इफ यू आर नॉट विथ मी, अगर आप मेरे साथ नहीं होते। आई विश आई कुड मीट यू वंस। काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। आई विश सी कुड अंडरस्टैंड मी। काश वह मुझे समझ पाती। ओके फ्रेंड्स, अभी इसका कुड का जो है तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है कुड बी, यानी कि हो सकता है, हो सकता था। इसमें हम कुड बी का इस्तेमाल करते हैं। कुड बी का मतलब हम सकता था भी बोल सकते हैं और हो सकता है भी बोल सकते हैं। कब कैसे बोलेंगे, आइए एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं।
ही कुड बी देयर बट ही वॉजंट, वह वहाँ हो सकता था लेकिन वो वहाँ नहीं था। यहाँ पर सकता था हमने इसलिए बोला क्योंकि बट ही वॉजंट यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, इससे समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कुड बी का मतलब हो जाएगा सकता था। इट कुड बी डेंजरस, डोंट टच इट, इसे आप मत छुओ, यह खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है क्यों हुआ, क्योंकि डोंट टच इट जो दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि डोंट टच इट, इसे मत छुओ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर हो सकता है बोला। इट कुड बी रिस्की बट सम हाउ आई मैनेज्ड इट, यह रिस्की हो सकता था लेकिन किसी भी तरह से मैंने इसे मैनेज कर लिया। यहाँ पर बट सम हाउ आई मैनेज्ड इट, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में जो है वहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कुड बी का मतलब हो सकता था होगा। आई कुड बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते मुंबई में हो सकता हूँ, यहाँ पर हो सकता हूँ इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर आई कुड बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक की बात की जा रही है, नेक्स्ट अगले हफ्ते की, इसलिए यहाँ पर हमने हो सकता है बोला। अभी फ्रेंड्स कुड बी का और भी इस्तेमाल होता है पैसिव सेंटेंसेज में, यानी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज में। अगर आपने पैसिव पढ़ा होगा, आप पैसिव जानते होंगे, वॉइस के बारे में जानते होंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है किया जा सकता है या किया जा सकता था, कुड भी सेम चीज़ है, ये भी कुड भी है, यहाँ पर भी कुड भी है, बट यहाँ पर पैसिव सेंटेंसेज, जैसे उस पेड़ को काटा जा सकता है, उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, तुम्हें कल बुलाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस, तो आइए हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ही कुड बी इनवाइटेड बट ही वॉजंट, उसे आमंत्रित किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ये पैसिव सेंटेंस के सेंटेंसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुड बी के बाद वर्ब थ्री यानी वी फॉर्म, वी का तीसरा फॉर्म लगाया गया है। ऐसे सेंटेंसेज में सभी सेंटेंसेज में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा। ओके फ्रेंड्स, That man could be punished by police if he doesn't pay fine. उस आदमी को पुलिस के द्वारा सजा दिया जा सकता है अगर वह फाइन पे नहीं करता है तो, यानी कि जुर्माना नहीं देता है तो। यहाँ पर could be का मतलब किया जा सकता है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि इफ ही डजंट पे फाइन, अगर वह फाइन नहीं देता है तो, यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि उस आदमी को पुलिस के द्वारा सजा दिया जा सकता है अगर वह जुर्माना नहीं पे करता है तो। आई कुड बी एलिमिनेटेड इफ आई डोंट परफॉर्म वेल, मुझे निष्कासित किया जा सकता है अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता हूं तो। यहां पर इफ़ आई डोंट परफॉर्म वेल, ये प्रेजेंट में कही जा रही है बात, इसलिए यहां पर किया जा सकता है होगा। इट कुड बी इजिली डन बट ही कुडंट, ये आसानी से किया जा सकता है लेकिन वो नहीं कर पाया या नहीं कर सका। ओके फ्रेंड्स, अभी इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सकता था सकते थे, कुड हैव, यहाँ पर हम कुड हैव, सकता था सकते थे ऊपर भी हमने किया, बट यहाँ पर कुड हैव लगाने के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा और ये सिर्फ इसमें सकता था और सकते थे ही अर्थ निकलेगा, इसमें सकता है सकता हूँ ऐसा नहीं निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ पास्ट के लिए है ये, कुड हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। दे कुड हैव गिवन यू मनी यस्टरडे, वे लोग कल तुम्हें पैसे दे सकते थे। इस तरह के सेंटेंसेज में वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म ही लगता है, यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका मतलब सिर्फ सकता था सकते थे सकती थी में ही होगा, सकता है सकता हूँ सकता है में नहीं होगा। वी कुड हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते थे। शी कुड हैव हेल्प्ड यू बट शी डिडंट, वो तुम्हारी मदद कर सकती थी लेकिन नहीं की। ओके फ्रेंड्स, अभी इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पास हो सकता है, पास हो सकता था, यानी कि मेरे पास या तुम्हारे पास, उसके पास बुक हो सकती है, उसके पास बुक हो सकती थी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं। ही कुड हैव अ कार,
इफ ही हैज़ मनी, उसके पास कार हो सकती है अगर उसके पास पैसे होते हैं तो। ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं हम, ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो सकती है, उसके पास कार हो सकती है ही होगा। ही कुड हैव अ कार इफ ही हैड मनी, अगर इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं कि ही कुड हैव अ कार इफ ही हैड मनी, उसके पास कार हो सकती थी अगर उसके पास पैसे होते, तो ये पास्ट की बात हो गई, इसलिए यहाँ पर हो सकता था बोला हमने। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होता जा रहा होगा। आप एग्जांपल के द्वारा बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और मैं इसीलिए एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, जो इसका अगला कॉन्सेप्ट है वो है पास हो सकता था, सिर्फ पास्ट के लिए, यहाँ पर भी वही है, बट यहाँ पर हो सकता है भी हो सकता है कुड हैव में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हो सकता था ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, कुड हैव हैड, कुड हैव हैड का इस्तेमाल होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए सेंटेंसेस को जरा समझते हैं। ही कुड हैव हैड अ कार इफ ही हैड मनी, उसके पास कार हो सकती थी अगर उसके पास पैसे होते। फ्रेंड्स, आप इसके पहले जो हमने बताया उसमें भी इसी तरह का सेंटेंसेस था, बट उसमें हैड नहीं लगाया गया था हैव के बाद। यहाँ पर जो हैड लगाने का अर्थ यही निकलता है कि इसका मतलब सिर्फ सकता था, सकते थे में ही होगा, यहाँ पर सकता है या सकता हूँ में नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके पास कार हो सकती थी अगर उसके पास पैसे हुए होते या होते। यू कुड हैव हैड अ गुड जॉब बट यू नेवर ट्राइड, तुम्हारे पास अच्छा जॉब हो सकता था लेकिन तुमने कभी कोशिश नहीं की। ही कुडंट हैव हैड अ ओन हाउस If I hadn't helped him, उसके पास अपना खुद का घर नहीं हो सकता था अगर मैंने उसकी मदद नहीं की होती। ओके फ्रेंड्स, अभी जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है could have been। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट है could have been, यहाँ पर भी could have been के बाद V3 का इस्तेमाल होगा, ये भी हम पैसिव में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल हम सिर्फ पास्ट में ही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंसेस के द्वारा हम क्लियर करते जाते हैं। He could have been arrested, but he escaped. उसे गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन वह बच निकला। फ्रेंड्स, यहाँ पर पैसिव सेंटेंसेज यानी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंसेज का, इसलिए यहाँ पर इस तरह का किया जा सकता था, काटा जा सकता था, बेचा जा सकता था, भेजा जा सकता था, इसी तरह के सेंटेंस आते हैं। You could have been asked about where we were on Friday. तुमसे यह पूछा जा सकता था कि हम गुरुवार को कहाँ थे। आई कुड हैव बीटन फॉर दिस बट थैंक गॉड दैट नथिंग हैपेंड सच एज, मुझे पीटा जा सकता था इस बात के लिए लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके फ्रेंड्स, अभी जो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था। इसमें हम कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब हम कुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर करना पड़ सकता है और करना पड़ सकता था दोनों अर्थ निकल सकता है, बट अगर हम कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एक ही मतलब निकलेगा कि करना पड़ सकता था। ओके फ्रेंड्स, तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते जाते हैं। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टूडे, आपको आज स्कूल जाना पड़ सकता है। यहाँ पर हमने टुडे मेंशन किया हुआ है इसलिए इसका मतलब सकता है ही होगा। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे, अगर हम इसी सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस को हमने बोला यू कुड हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे, अगर हमने यस्टरडे कह दिया तो यहाँ पर अर्थ निकल गया आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे, अगर हमने कुड हैव के बाद हैड टू का इस्तेमाल किया है तो इसका एक ही मतलब निकलेगा कि पढ़ सकता था। ओके फ्रेंड्स, आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव टू कम हियर अगेन व्हेन एवर आई कॉल यू, आपको यहाँ फिर से आना पड़ सकता है जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, कुड किस तरह का वर्ड है, ये कमाल का वर्ड है, इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, बस हमें सेंटेंसेस के द्वारा समझने पड़ता है, सेंस के द्वारा समझना पड़ता है, सेंस पर ध्यान देना है।
ओके फ्रेंड्स, सेंस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको सारे के सारे कूड वाले सेंटेंसेज अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और मैंने सारे के सारे 10 कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, तो अब मुझे ये नहीं लगता है कि अब इसके अलावे भी कोई सेंटेंसेज हैं कूड वाले जो बाकी रह गया हो। ओके फ्रेंड्स, जो भी कूड के सेंटेंसेज बोले जाते हैं इन्हीं 10 कॉन्सेप्ट के अंदर से ही बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, जब अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर ज़रूर किया कीजिए जिन लोगों को इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्ले लिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्ले लिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।